नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। आज सांबा में आरटीओ रहना तबस्सू की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सांबा के फोर व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन की तारीख 31 मार्च रखी गई है। जिन्होंने नई गाड़ियां खरीदी है या पिछले साल खरीदी थी या जिनकी गाड़ियां अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है, वो अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से पहले करवा ले, नहीं तो उनकी गाड़ियां 31 मार्च के बाद रजिस्टर नहीं होंगी। सांबा से निखिल मंगोत्रा और प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपके माध्यम से अपनी सांबा के सभी रेजिडेंट से, सांबा की जनता से ये अपील करूंगी कि एज पर डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एज पर द डायरेक्शन ऑफ मॉर्थ और एज पर द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस J&K, हमारे यहाँ पे जो लास्ट डेट है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ BS4 व्हीकल्स, जिनकी अमीशन 12 स्टेज नॉर्म्स 4 जो व्हीकल्स वो फॉलो अप करती है जिनके अमीशन स्टैंडर्ड्स, उनकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे सांबा में और J&K 31 मार्च रखी गई है। तो मेरी आपके माध्यम से ये अपनी सांबा के डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये विनती है कि काइंडली जिन्होंने भी अभी नई गाड़ियाँ खरीदी हैं या पिछले साल खरीदी हैं या अभी तक जिनकी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं और उनकी गाड़ियाँ BS4 अमीशन नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं, तो वो काइंडली 20 मार्च से पहले पहले हमारे ऑफिस में आएँ, अपनी गाड़ियों की इंस्पेक्शन कराएँ, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराएँ, ताकि हम उनको नंबर अलॉट करें और टाइमली उनकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एक उनको नुकसान होगा अगर वो अपने टाइम से रजिस्टर नहीं कराएंगे, कि उसके बाद 31 मार्च के बाद, जैसा कि 1 अप्रैल के बाद हम उनकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स कि उनकी गाड़ी को कभी भी नंबर नहीं लग पाएगा। एक और भी आसान अगर अक्षरों में उन तक एक मैसेज पहुंचाने चाहूँगी कि अपनी गाड़ी को जितने जल्दी हो सकता है 20 मार्च से पहले पहले कृपा करके हमारे ऑफिस में लाएं और नंबर अलॉट करवा दें। उसके बाद चलो RC वो चाहे बाद में भी होता रहेगा 31 मार्च के बाद, लेकिन नंबर अलॉट और रजिस्टर्ड होनी चाहिए व्हीकल 31 मार्च से पहले पहले।